नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश में विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों में क्रियाकलाप में जुटे हुए हैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद के निर्देशों के बाद लगातार बदहाल सड़कें बन रही है और साथ ही ट्वीट और आई पर भी अधिकारियों द्वारा प्रभावी काम किए जा रहे हैं शिकायतों के बाद तत्कालीन लखनऊ के भिठौली चौराहे से आई चौराहे तक दाए और बाएं तरफ रोड की नवनीकरण लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता जेबी सिंह और सहायक अभियंता एके सिंह की मौजूदगी में हुआ बता दें समाज सेवी विवेक शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को कुर्सी रोड स्टेट हाईवे के सड़क के दोनों ओर सुरक्षा की दृष्टि से रेडियम रिफ्लेक्टर सफेद पट्टी को लगवाने की बात कही थी जिसके बाद तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा ने मामले का संज्ञान लिया और कुर्सी रोड से महमूबाबाद की जाने वाली सड़क स्टेट हाईवे सड़क पर थर्मोप्लास्टिक पेंट मार्किंग का कार्य शुरू करवा दिया है माननीय मंत्री जी हमारे जो विभागीय मंत्री हैं उनके निर्देशानुसार जो भी कार्य उनके द्वारा बोले जाते हैं जैसे कि हमारे खंड द्वारा आशियाना क्षेत्र में सड़कों का सुधार कार्य काफ़ी बड़े पैमाने पर कराया गया रिंग रोड जो कि कानपुर रोड से स्टार्ट होकर पारा होते हुए दोबगा की तरफ जाती है और दुबग्गा से भटौली की तरफ उसमें युद्ध स्तर पर काफ़ी काम कराया गया गोमती नगर में जो सड़कें हमें एल या नगर निगम से स्थानांतरित हुई थी उन सड़कों पे भी हम लोगों ने उसकी मरम्मत का काम कराया और आगे भी हमारे प्रपोज़ल हैं उसमें काम कराने के जो हम समय समय पर कराते रहेंगे पिछले वर्ष इंदिरा नगर की इसी तरह की सड़कें जो नगर निगम से स्थानांतरित होकर जो हमें मिली थी उन पे भी हमने काफ़ी काम कराया है उनकी सतह सुधार डिवाइडर रिपेयर वगैरह सब काम हमारे द्वारा हमारे खंड द्वारा कराई गए अभी तत्काल में जो कार्रवाई की गई है ट्वीट या माध्यम से, से वो किन रोडों पर कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की गई ये एक समाजसेवी हैं विवेक शर्मा जी और माननीय विधायक नीरज बोरा जी उनके द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि कुर्सी रोड पे सफ़ेद पट्टी जिसको थर्मोप्लास्टिक पेंट बोला जाता है हमारी इंजीनियरिंग की भाषा में वो नहीं लगी हुई है जिससे दुर्घटनाएँ होने की संभावना हो रही है इसको जैसे ही ये मैटर संज्ञान में आया उस पर हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई की और उसको जल्दी जल्दी लगवाया सर ये जो थर्मोप्लास्टिक पेंट जो किया जाता है रोड पर जो सफ़ेद पट्टी बनाई जाती है इसको लगाने का क्या मकसद होता है उसको किस लिए लगाया जाता है थर्मोप्लास्टिक पेंट की जो लाइन लगती है इस लाइन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये कोहरे में या बिना कोहरे के भी एक रोड को डायरेक्शन देता है इससे चालक को गाड़ी चलाने वाले को एक सुविधा प्राप्त होती है रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार